क्या फ्रेम रहता है, कम स्पेस वालों के लिए, फ्लैट वालों के लिए बड़ी सही है ये। हर रेंज आपके मंदिर यहाँ मिल जाएगी। कंसोल होता है फ्रेम सागवान, इसकी भी लाइफ टाइम की गारंटी होगी। तो झूले की स्टार्टिंग है ऐसे वाला कुशन में, ये पार्टिकल है, ये वुडन में आ गया। और भैया ऐसे अगर बहुत बड़े मंदिर चाहिए तो इनकी कॉस्टिंग पड़ती है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल ज्वेल टेलीकॉम जमाडा। तो डेली वीडियोस आपके। सो गाइस, गाजियाबाद में आपको एक ऐसी शॉप लेके आया हूं जिनके पास हर तरीके का फर्नीचर होम डेकोर मिल जाता है। इनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, देखो आप यहां पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ये अंदर भी सामान बन रहा है एंड वहां पे भी इनका सारा सामान बन रहा है, देखिए। तो आपको बेसिकली इनके पास हर तरीके का फर्नीचर मिल जाता है, होम डेकोर मिल जाता है। लेकिन थोड़ी सी कलेक्शन का ब्रीफ लेते हैं। सो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, लाइक करो, वीडियो सब्सक्राइब करो, मेरे चैनल बहुत सारी अमेजिंग वीडियोस के लिए एंड कुछ स्किप मत करना, क्योंकि पूरी वीडियो में हम कलेक्शन विद प्राइसिंग करते हैं। चलो कलेक्शन एक्सप्लोर करते हैं। हेलो भैया, कैसे हैं आप? ठीक है भैया। भैया सबसे पहले अपने व्यूअर्स को ये बता दें कहाँ पे आ गए हैं दोबारा हम और क्या क्या देख रहे हैं यहाँ पे। सर मेरे शॉप का नाम A1 फर्नीचर है और मोहन नगर में मेरा शॉप है, ये खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। अच्छा, आपकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है और भैया फर्नीचर में सब कुछ मिल जाएगा? सब चीज़ मिल जाएगी सर, इनडोर आउटडोर सब चीज़ मिल जाएगा। भैया यार सबसे पहले बात बताओ, जैसे कि यहाँ पे सोफा बन रहा है, ठीक है जी, तो ये क्या फ्रेम रहता है, क्या सिस्टम रहता है, थोड़ा जैसे मुझे सामने दिखा के बन रहा है। सर ये मरंडी का फ्रेम होता है और इसमें लाइफ में कभी दीमक नहीं लगती है। ठीक है, और भैया ये फॉर्म वगैरह क्या यूज होती है? सर ये बिंदल 40 डेंसिटी की फॉर्म लगाता हूँ। अच्छा, और भैया वैसे आपको कोई सोफा पर लेगा तो कुछ गारंटी वारंटी मिल जाती है? गारंटी सर दीमक की तो लाइफ टाइम की होती है और कुशन के बैठने की 5 साल की गारंटी है। 5 साल की होती है। और भैया अगर जैसे आप खुद ही कह रहे हो मैन्युफैक्चरिंग होती है, जी जी जी, तो अपना ऑर्डर से ही बनवा सकते हैं? जी, अपना डिजाइन अपना ऑनलाइन निकाल कर लाके मुझे दे सकते हैं, जैसा कहोगे वैसा ही बना देंगे। ठीक है, और भैया के बाहर ही मैं आपको दिखा दूँ, देखो यहाँ पे ना और ड्रेसिंग टेबल सोफे ये सब रखे हुए हैं, इन पे ना किसी का भी पॉलिश नहीं हो रखी। तो अगर ये सागवान का फ्रेम है? अच्छा, ये सागवान का है जी। ठीक है, तो भैया इसकी क्या कॉस्टिंग होती है? जैसे कि ये रखा हुआ है, ये वाला डिजाइन की बात करते हैं तो ये 18,000 रुपए का होता है। ठीक है, 5 सीटर 3+1। ठीक है, और भैया इसकी गारंटी क्या रहती है? इसकी लाइफ टाइम दीमक की गारंटी, लाइफ टाइम। और अगर कोई भैया ऐसे लेता है तो अपने कलर की पसंद की पॉलिश भी करवा सकता है? जैसा कलर कहोगे, फैब्रिक का कुशन का कलर जो भी कहोगे वो आपकी पसंद का हो जाएगा। वहाँ पे एक दूसरा डिजाइन रखा हुआ है, उस तरह आप देख सकते हैं। और भैया ये जो आप बता रहे हैं ये कौन से वाले बनते हैं, इसमें ऐसे बनते हैं? हाँ जी हाँ जी, ये इस तरीके का आएगा कवर्ड होकर, जैसे फुल कवर्ड रखा हुआ है। अच्छा, ये ऐसे बनेगा जी जी। और यहीं पे देखो, यहाँ पे सारा काम वाम भी चल रहा है, ये जो कुशन वगैरह का ये सारा काम चल रहा है। दिस इज दी सोफा। भैया ऐसे सोफे की स्टार्टिंग क्या रेंज है? सर पर सीट बनता है मेरे यहाँ मरंडी के स्ट्रक्चर में 6,500 रुपए पर सीट बनेगा। तो अगर ये 2 सीटर का है तो 12,000 रुपए में? 12,000 रुपए का हो गया। ठीक है भैया। भैया इसके अलावा क्या क्या देखने वाले हैं भैया? इसके अलावा डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, स्टडी टेबल, मंदिर, कुछ भी चीज़ हो सब चीज़ बनाते हैं सर। ठीक है भैया, अलमीरा का बता देना भैया। अलमीरा का दिखाते तो मैं आ जाओ। इसके अलावा देखो यहाँ पे ना मंदिर भी मिल जाते हैं, अगर हम अभी हम इनकी बात करते हैं, बट पहले अलमीरा देख लेते हैं। भैया अलमीरा किस में मिलती है आपके पास? ये सर पार्टिकल बोर्ड होता है। ठीक है, इसी की बात करते हैं तो ये 6x3 की साइज होता है इसका। ठीक है, ये बजट में आ जाती है ना भैया? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये बजट में आ जाती है। कितने की मिलती है? पार्टिकल बोर्ड की है, ये मिलेगी आपको 6,000 रुपए की। 6,000 में ये छोटी आ गई, 5 फीट ये वाली आ गई, 5,000 की होती है। ये 5,000 की है, ये भी सेम मटेरियल में। ठीक है, तो ये बोर्ड, सारी बोर्ड वाली? हाँ, ये पार्टिकल है, ये वुडन में आ गया। अच्छा, ये वुडन में है, इसका भी साइज 6x3 है और इसके प्राइस की बात करते हैं तो ये 9,500 की है। 9,500 में ये लकड़ी की आ गई? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा हाँ, ये वुडन में बहुत हैवी है, ये सस्ता होता है बाय द वे मैं आपको बता दूं। और ये थोड़ा लकड़ी ऑब्वियसली है महंगी आ गई। लकड़ी कौन सी है भैया? ये टीक वुड है। टीक वुड में यार, टीक वुड में तो सही लग रही है अलमारी। तो अगर आपको बनवाने का सिस्टम नहीं चाहिए ना, लकड़ी की अलमारी घर में नहीं बनवानी, तो आप ऐसे बनी हुई भैया से ले सकते हैं। इसके बाद भैया ये भी बोर्ड में आ गई। हाँ जी हाँ जी, ये भी बोर्ड में। उसके बाद देखो यहाँ पे भी बहुत सारी डाइनिंग टेबल्स लगी हैं। तो भैया डाइनिंग टेबल की स्टार्टिंग कितने से हो जाती है? सर मेरे पास में डाइनिंग टेबल 16,500 से स्टार्ट होती है। ये वाली भैया जी। और भैया इसकी क्वालिटी रहती है? सर क्वालिटी इसकी सागवान होता है ये भी। ये 4 सीटर में आती है। सीट वगैरह की क्या रहती है क्वालिटी वगैरह? फॉर्म सीट 40 डेंसिटी की होती है, सीट की गारंटी होती है 5 साल की बैठने की। अच्छा, इसकी 5 साल की मिलती है। और लकड़ी की? लकड़ी की लाइफ टाइम दीमक की। और देखो आप इसमें थोड़ा डिजाइन रखा है, सिंपल सोफा जो आती है ना बजट में वो वाली डाइनिंग टेबल है। इसकी थोड़ी आ गई शीशे वगैरह वाली, ये थोड़ी फैंसी में आ गई। अच्छा भैया इसी में 6 सीटर भी है? ये है 6 सीटर। इसकी कॉस्ट पड़ेगी भैया? इसकी 21,000 रुपए 6 सीटर की स्टार्टिंग। ये वही सेम है ना 4 सीटर वाली? हाँ जी हाँ जी, वो उसकी सेम है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो डिजाइन। भैया एक बात बताइए, जैसे कि मैं 6 सीटर ले रहा हूँ जी, बट मुझे चेंज करवाना है कुछ, हो सकता है? हाँ जी हो जाएगा। कितने दिन लग जाते हैं लगभग अगर मैं ऑर्डर दूँ? हफ्ते भर में कर देता हूँ। सब कुछ कर दो? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो एक ये 6 सीटर है, एक ये मुझे अच्छी लग रही है, कम स्पेस वालों के लिए, फ्लैट वालों के लिए बड़ी सही है ये। भैया ये चीज़ अच्छी लाया हो तो, ये क्या भैया क्वालिटी? ये टॉप पे मार्बल है। ठीक है, और वुडन की बात करते हैं तो ये भी टीक वुड में है।
अच्छा, और इसकी कॉस्ट की बात करते हैं तो ये 24,000 रुपए का सेट है मार्बल टॉप के साथ में। ठीक है, तो भैया अगर ऐसे डिजाइन हमें लकड़ी में बनवाना हो तो वो कितने का पड़ जाएगा? ऐसे ही सेम बना देंगे बिल्कुल टिक, तो लकड़ी में ऊपर विदाउट मार्बल जो होगा, अगर टॉप लकड़ी का चाहिए उसका तो वो मैं आपको दे दूंगा आपको 21,000 रुपए। 21,000 और अगर वही मैं शीशे में बनवाऊंगा? अगर शीशे में बनवाओगे तो 16,000 रुपए का। 16,000 सबसे सस्ता? बिल्कुल। ठीक है, तो देखो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट मैंने आपको ऑप्शन पूछ के बता दिए जिससे कि आपको एक आइडिया हो जाए। यहाँ पे अगेन आपको ग्लास में मिल रहा है लकड़ी पे, ठीक है, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन मिल जाते हैं। भैया लास्ट वाला क्या है? ये भी वुडन में ही है लेकिन इसके टॉप पे माइका लगा रखी है। माइका लगी हुई है, ठीक है, बजट वाला सेगमेंट आ गया। बिल्कुल बिल्कुल, ये 15,000 रुपए का सेट है। 15,000 रुपए का, ये सस्ता है। हाँ जी हाँ जी, ठीक है। तो इसके अलावा देखो यहाँ पे इनके बहुत सारे बेड भी मिल जाते हैं। भैया बेड की स्टार्टिंग कितने से हो जाती है? मेरे पास में बेड की स्टार्टिंग 13,000 से होती है। डबल बेड? डबल बेड कौन सा होता है भैया? 13 वाला डबल बेड में प्लेन होगा उधर लगा हुआ हेड। अच्छा, वो वाला हेड है। ये वाला बेड आपको 13,000 रुपए मिल जाएगा। ये भी सही लग रहा है, सिंपल सोबर अच्छा लग रहा है। और भैया ऐसे वाला कुशन में? ये 16,500 का मेरे पास में। और भैया इसकी क्वालिटी रहती है? इसकी सर 5 साल की, इसकी भी दीमक की गारंटी होती है। अच्छा, इसके भी 5 साल की जी। और भैया ये क्या यूज होता है? इसमें प्लाईवुड होता है, फ्रेम लकड़ी का होता है, वो टीक का होता है मेरे पास। टीक का होता जी जी। भैया कुछ लोग ना बोलते हैं, जैसे मैं वीडियोस बनाता हूँ कि फ्रेम लोग बोलते हैं टीक का, बट टीक का लगाते नहीं है। सर विदाउट पॉलिश दिखाएंगे पहले आपको, पहले विदाउट पॉलिश दिखाएंगे फिर आपको तैयार करेंगे, फिर तैयार हो जाएगा जी। ठीक है, तो इसमें भी आपको देखो बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पे भी ऑप्शन है, वहाँ पे भी ऑप्शन है, बहुत सारे आपको बेड्स के ऑप्शन मिल रहे हैं। फैंसी चेयर्स मिल जाएंगी, झूले मिल जाएंगे, साइड टेबल्स मिल जाएंगी। मंदिर? भैया मंदिर की स्टार्टिंग कितने से हो जाती है? मंदिर की स्टार्टिंग मेरे पास में ओनली 1100 रुपए से। तो ये मंदिर के भी हम आपको कलेक्शन वहाँ पे भी दिखाते हैं, बट इनके बहुत सारे मंदिर रखे हुए हैं, हर रेंज में आपके मंदिर यहाँ मिल जाएंगे। इसके अलावा ना एक चीज़ है कि ये देखो रॉकिंग चेयर जो बहुत यार, ये तो ना एवरग्रीन चीज़ है, हमेशा ना मार्केट में इन ही रहती है क्योंकि बड़ी क्लासी सी लगती है। तो भैया इसकी क्या कॉस्ट पड़ती है? ये सर ये भी सागवान में है मेरे पास में, ये 6,500 की विद कुशन पड़ती है। 6,500 में पूरा बनी हुई? ठीक है। और भैया इसमें कुशन क्या रहता है, मतलब खराब सा तो नहीं होता? नहीं, ये भी 40 डेंसिटी में है, इसकी भी गारंटी 5 साल की होगी, 5 साल से नहीं पहले नहीं बैठेगी। और भैया फ्रेम क्या है? फ्रेम सागवान का है, सागवान ही है जो आपने बताया। ठीक है, इसके अलावा देखो यहाँ फैंसी चेयर्स मिल जाएंगी। और भैया ये अगर रेडी नहीं होगी तो रेडी करवा के लेने में कितने टाइम लगेगा? बस 4 दिन लगेंगे। 4 दिन में ओनली, क्योंकि आपकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा मुझे एक चीज भैया अच्छी लगी आपके पीछे सोफे, तो इन वाले सोफे की क्या स्टार्टिंग है? हमने बाहर भी सोफे देखे हैं, यहाँ पे भी हम सोफे देख रहे हैं, देखो ये सारे, इनकी क्या कॉस्टिंग है भैया? सर जी ये करीबन 5 सीटर 25,000 के आसपास का पड़ेगा ये वाला। और इसमें पाओ भी अलग है? हाँ जी, लेग साइज में गोल्डन है। इसकी सिंगल सिंगल चेयर ये है, 3 सीटर ये है और ये है इसका पूरा। और ये मुझे ना थोड़ा वो वाला साइज लग रहा है जो छोटे घर में भी तुम रख सकते हो। बिल्कुल आराम से आ जाएगा, है ना, वो वाला आ गया। सिंपल सोफा ये वाला कितने का होता है भैया? ये वाला सर सागवान में है, ये भी ये 16,500 का है। 16,500 फाइव सीटर सोफा ये आ गया, फिर आपके ऐसे सिंपल में आ गया, ऐसे सिंपल में आ गया, तो बहुत वैरायटी है बहुत। भैया एक चीज मैंने बिल्कुल अलग देखी तुम्हारे, ये क्या लाए हो तुम? ये कंसोल होता है भैया। ये तो यार बड़ी एक बड़ी सुंदर सी अलग सी चीज लाए हो तुम इस बार। ये भैया वही है ना, उसके पीछे शीशा भी लगा सकते हैं, जी 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 जी, टीवी के नीचे रख दो। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ा प्यारा लग रहा है। ये क्या कॉस्टिंग है भैया? इसमें ऊपर गिलास आएगा इस तरफ ऐसे करके, और ये 18,000 की बात करते शीशे के साथ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और विदाउट शीशा? सिर्फ विदाउट गिलास के साथ में लोगे तो ये 12,500 का है, वो इसमें भी सागवान है। और भैया इसके नीचे वाला छोटा साइज है? हाँ, इसमें नीचे वाला छोटा वाला साइज है। वो कितने का पड़ेगा? ये 7,500 का, मैं दिखा देता हूँ इसे नजदीक से। यार ये तो अच्छा है, 7,500 रुपए में कंसोल। और इसको तुम अगर ड्रेसिंग टेबल बनाना चाहते हो वो भी बहुत अच्छा कंसेप्ट है। बिल्कुल, ये ये आ गया। अच्छा, इसमें यहाँ पे एक ड्रॉर भी है। ड्रॉर है इसमें भैया। एक क्वालिटी है ये भी सागवान में। 6,500 में सागवान? हाँ, 6,500 में सागवान दे दूंगा बिल्कुल। ठीक है भैया, भैया एक बार थोड़े मंदिर की कलेक्शन दिखा दीजिए बस। दिखा देते हैं मंदिर की बात करते हैं, तो मंदिर ये यहाँ से स्टार्टिंग है पहले नंबर से। कितने का भैया ये? 12,500 का, वो सॉरी 1,250 रुपए का। 1,250 रुपए जी जी। और इसी दूसरे नंबर की बात करते हैं तो ये वाला मिलेगा आपको 1,800 रुपए का। ठीक है, और ये ओपन में रखा है 1,500 रुपए का है, दरवाजे में रखा हुआ है 2,000 रुपए का। ये सेम साइज में भैया ने रखे हुए, ओपन का ऑप्शन भी है, क्लोज वाला ऑप्शन भी है। और भैया गोल्डन वाला कंसेप्ट क्या है? बड़ा सिंपल सोबर मंदिर। ये गोल्डन वाला है, ये भी टीक वुड में है, ये 2,500 रुपए का है। 2,500 रुपए में भैया बड़ा साइज लग रहा है तो। बिल्कुल बिल्कुल। और भैया ऐसे अगर बहुत बड़े मंदिर चाहिए तो इनकी क्या कॉस्टिंग पड़ती है? सर इनकी अलग अलग कॉस्टिंग पड़ती है, मेरे पास में 850 रुपए पर स्क्वायर फीट से मंदिर स्टार्ट हो जाता है बड़े में लेते हैं तो हम अपने घर के साइज के हिसाब से ही बनवा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है भैया, सो गाइस इसके अलावा मैं आपको बता दूं, देखो यहाँ पे आपको शू रैक्स, ऑफिस का सामान, झूले, ये सब कुछ देखो, कंसोल्स, ठीक है, ये सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ, स्टडी टेबल्स, मतलब जो भी आप सोचते हो ना घर का सब मिल जाता है। देखो बन भी यहीं पे रहा है सामान, तो आप यहीं पे
क्वालिटी चेक भी कर सकते हैं। भैया मुझे ना यहाँ पे सेंट्रल टेबल्स भी दिख रही है, तो सेंट्रल टेबल्स की क्या प्राइसिंग रहती है? सर जी मेरे पास में सेंट्रल टेबल की 5,500 से स्टार्टिंग होती है, फिर बढ़ चढ़ की होती है। वुड सागवान होगा इसमें और इसकी भी लाइफ टाइम की गारंटी होगी दीमक की। तो ये वो है ना जो सिंपल ब्राउन में रहेगी, यहाँ थोड़ा ऊपर सामान आ जाएगा। बिल्कुल ऊपर गिलास आएगा, इसमें अंदर स्टोन वगैरह डलेगा। अच्छा गिलास भी आएगा। बिल्कुल भैया इसके साथ साथ झूले वगैरह दिख रहे हैं मुझे आपके पीछे, तो झूले की स्टार्टिंग रेंज क्या है? झूला मेरे पास में सिंगल 7,000 से स्टार्ट होता है और डबल की बात करते हैं 12,500 से स्टार्ट है। 12,500 रुपए में ये वाला मिल जाएगा? हाँ जी, इसमें विद कुशन इंक्लूड रहेगा। और भैया कितने किलो तक ले लेता है ये? 300 किलो वेट लेगा और सिंगल वाला 150 किलो वेट। 150 किलो तो यूजुअली भैया सही रहता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। भैया भाई दोबारा बता दीजिए कहाँ पे आना पड़ेगा? सर यहाँ पे आना पड़ेगा, ये मोहन नगर लगता है, नियर पारसनाथ सोसाइटी है, बस स्टैंड के पास में। और भैया डिस्काउंट हो जाएगा? जी हो जाएगा, अगर आपकी कोई वीडियो देख के आता है तो उस पर मैं डिस्काउंट करके दूंगा। ठीक है भैया, थैंक यू भैया इतनी अमेजिंग कलेक्शन शेयर करने के लिए। सो गाइस ये पूरी ओवरऑल कलेक्शन थी जो आपके साथ शेयर करा था। ये शॉप मुझे अच्छी लगती है और ये मुझे अच्छी कलेक्शन लगती है, इन पर भैया खुद ही बनाते हैं। तो होपफुली गाइस मिस्टर लाइक द वीडियो एंड प्रेस लाइक इन, मेक श्योर लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस एंड डू शेयर दिस वीडियो फ्रेंड्स। मिल रहा हूं कल एक और वीडियो के साथ, बाय।